संविधान के आर्टिकल 243D 243D के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई, पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जी हाँ, सारी पंचायतों में, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत, तीनों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सवाल आएगा कि आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग की गई है, तो आप कहेंगे 243D। किसके अकॉर्डिंग? 243D। कैसे याद करेंगे? जब भी आप डॉक्टर को जाते हैं तो नंबर लगाते हैं, एक तरह से अपना नंबर रिजर्व करते हैं, तो डी से डॉक्टर, डॉक्टर्स का रिजर्वेशन करते हैं ना, वैसा ही संविधान में सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो एससी एसटी ओबीसी और महिला, इनको आरक्षण की व्यवस्था मिली हुई है। एससी एसटी ओबीसी इनको क्या है, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मतलब किसी गांव में एससी की पॉपुलेशन 20% है तो 20% सीट रिजर्व होगी एससी के लिए, एसटी के लिए 30% तो 30%, ओबीसी के लिए 10% तो 10%, तो जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतनी सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी। और महिलाओं का 1/3, महिलाओं को कितना, 1/3, चाहे वो जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, कुल महिला जो है पंचायत में 1/3 होंगी। और ये नियम ग्राम पंचायत में भी लगेगा, जिला पंचायत में भी लगेगा और जनपद पंचायत में भी लगेगा, तीनों पे ही यह आरक्षण के नियम लगेंगे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सरपंच तो सर एक ही होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष तो एक ही होता है और जनपद पंचायत का अध्यक्ष तो एक ही होता है, वो कौन बनेगा? वो एससी का बनेगा, एसटी का बनेगा, ओबीसी का बनेगा कि महिला का बनेगा? जो पद एक है ना, उसका रोटेशन से होता है, सदस्य तो बहुत सारे होते हैं, अगर 10 सदस्य हैं तो बट जाएगी सीट एससी एसटी ओबीसी वेमेन में, पर क्या होता है कि अध्यक्ष तो एक ही होता है। तो इस पंचवर्षीय में मान लीजिए एससी का बन गया तो अगली बार एसटी का बनेगा, फिर ओबीसी का बनेगा, ऐसे क्रम करके चलता है। तो अध्यक्ष का क्या होता है, रोटेशन से होता है, और सदस्य का हर बार जितनी सीट है उसी अनुपात में जिसकी जिसकी संख्या है वैसा ही आरक्षण होता है। तो क्वेश्चन बनेगा, पहला तो आर्टिकल पूछेगा कि आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में, 243D। दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्या तीनों में आरक्षण होता है, जी हाँ, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला तीनों में आरक्षण होता है। फिर पूछेगा कैसा आरक्षण, कितने परसेंट है एससी एसटी ओबीसी को, तो जनसंख्या के अनुपात पे महिला का 1/3, ये है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। अब मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में भी 2006 तक 1/3 ही आरक्षण था महिला का, लेकिन 2007 से महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। कितनी? 50% आरक्षण महिलाओं को, अब चुनाव में कितना आरक्षण है, 50%, पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया, महिलाओं को एमपी में कितना है, 50%, 33% मत लगाइए 1/3, अन्य राज्यों में ज्यादातर 1/3 है लेकिन एमपी में 50% है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,